नमस्कार, मैं हूँ याज्ञवल्क मिश्रा और टाइम फैक्ट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। बक्सर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, आए दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं। यह घटना उस जगह अंजाम दी गई है जहां एक ओर गंगा पुल थाना तथा दूसरी तरफ उत्पाद विभाग समेत दो पुलिस पिकेट मौजूद हैं। वहीं जिला के पुलिस कप्तान का आवास भी पास में ही है। ऐसे में अपराधियों का दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार होना भी एक बड़ी बात है। तो की माने तो बाबर अली और सत्येंद्र यादव चाय दुकान से चाय पीकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाले थे कि तभी उजले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली अपाची आई, जिस पर तीन लोग सवार थे और तीनों ने एक ही साथ सत्येंद्र यादव और बाबर अली पर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया, जिसमें सत्येंद्र यादव के सिर में गोली लगी, वहीं बाबर अली के कमर में तीन तीन गोलियां लगी। बाद में उन्हें ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया और आसपास मधुबन भीमाठ की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है कि हो सके किसी भी हद तक हमें अपराधियों के बारे में कुछ पता चल जाए। तो आइए सुनते हैं इस पर एसपी साहब ने क्या कहा। धन्यवाद। कैमरा भी आप लोग देखे हैं। 5:30 बजे शाम में दो लोगों को एक बाइक पे तीन सवार लोगों ने गोली मारी है और उस संबंध में अभी पुलिस छानबीन कर रही है। नियरेस्ट में जो भी सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, तो कुछ सीसीटीवी से कुछ कुछ क्लू मिले हैं। अपराधियों का फोटोग्राफ्स भी बहुत हद तक मिला है, तो उसको उसके आधार पर हम लोग अभी उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही उसके बारे में पता चलता है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है सर।